जी हमारी कल के व्लॉग में जिक्र कर रही थी हस्बैंड का। ओके, तो आंटी जी हस्बैंड के बारे में कल जिक्र कर रही थी, लेकिन हस्बैंड को लेके जो इतने लोग सवालात कर रहे थे उस सवाल का जवाब आप बिल्कुल भी नहीं दे रही है। साथ ही साथ हस्बैंड की फैमिली लेके, यानी कि आपकी सूरत वाली फैमिली को लेके भी सवाल कर रहे थे, लेकिन इसका सवाल का जो है जवाब आप बिल्कुल नहीं दे रहे। पूरे व्लॉग में इतना ज्ञान देती रहती है, पक पक करती रहती है, लेकिन जो आपके चाहने वाले हैं जो इतने सवालात करें, हेटर्स का छोड़ दो, लेकिन चाहने वालों का सवालों का जवाब देना भी आप इम्पॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं समझती हो। तो असलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छी हूँ। आज मेरी बेटी का बर्थडे है, 9वां साल कम्प्लीट होकर 10वां साल उसको लगा है। मैं गुजारिश करती हूँ आप लोगों से कि आप लोग मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिए। और व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी, व्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल में नए हो तो बार बार आना जाना ना करें, सब्सक्राइब करके इस घर का मेम्बर ही बन जाइए। और अगर वीडियो पसंद आए और वीडियो को लेकर आप लोगों का रिगार्डिंग क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी कमेंट करके शेयर करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं व्लॉग की तरफ। तो कल जो है आंटी जी के व्लॉग में देखा कि आंटी जी अंडे का जो पैकिंग है वो देख के एकदम ज़्यादा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई। जैसे ऐसा पैकिंग आंटी जी ने ब्रेड और अंडे का ज़िंदगी में पहली बार देखा हुआ। आंटी जी कौन सी दुनिया में रह रही हो आप? ऐसी पैकिंग तो देखो, आंटी जी इतनी मॉल्स में जाती, इतना सड़कों में घूमती, अंडे की ऐसी पैकिंग वाली तो मॉल में भी मिल जाती, जो सबको पता है कि भाई मॉल में से अंडा खरीदो तो ऐसी पैकिंग का था। या फिर बचपन में अगर गली मोहल्ले की जो दुकान होती थी हमारे, मेरे बचपन की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे भी ना ऐसे ही वो कागज़ का ट्रे होता था बड़ा साइज़ का, मतलब अभी जो प्लास्टिक के ट्रे आते हैं तो वैसे ही उसी साइज़ का ही ऐसे सेम ट्रे हमारे गली मोहल्ले में मिलते थे। जो कि हमारे मेरी मम्मी क्या करती थी, हम जब गाय पालते थे, मेरी मम्मी गाय पालती थी कि गोबर और गोमूत्र हमारे लिए बहुत, हमारे लिए नहीं बोलूँगी, मेरे मायके वालों के लिए, हिंदू लोगों के लिए बहुत स्पेशल चीज़ है, और दूध भी। तो मेरी माँ जो है गाय पालती थी, तो गाय का मच्छर भगाने के लिए वो शाम को जलाती थी अंडे का जो ऐसा प्लास्टिक का ट्रे था। आई होप आप लोगों ने भी देखा होगा बचपन में भी, और मॉल में भी ऐसे पैकिंग के जो है अंडे मिल जाते हैं। बट आंटी जी जो है, अभी दूसरा पैकिंग का भी मिलता है, ऐसे पैकिंग का भी मिलता है अब। बट आंटी जी जो है वो एकदम शॉक्ड हो गई आंटी अंडे का पैकिंग देख के और ब्रेड का पैकिंग देख के, जैसे कि दुनिया में पहली बार जो है आंटी जी ने ऐसी पैकिंग देखा हो। कौन से दुनिया में हो आंटी जी? थाईलैंड में आप जा चुकी हो, थाईलैंड इतना करती हो, देखा नहीं थाईलैंड के लोग को ऐसे ट्रे में अंडे रखते हुए? बट क्या ही कहना, पैसा जो है वो क्लास नहीं खरीद सकता, मैं हमेशा बोलती हूँ। और एक दो वर्ड इंग्लिश बोल नहीं सकते, मैं एजुकेटेड बिल्कुल भी नहीं बन जाती हूँ। टाइम स्पेंड करने को बोलते हैं टाइम एक्सपांड, खैर ये तो काफ़ी बार वो बोलती है, हर व्लॉग में बोलते हैं टाइम एक्सपांड, ठीक है, तो इसका तो क्या कोई। लेकिन अब जो है आंटी जी को बहुत मोटा तगड़ा बंगलो वाला जो है गर्म चाय पिलाने वाला जो है वो मिल चुका है, क्योंकि अब आंटी जी को जो चाय है आंटी जी खाना बना तो बनाती नहीं, उस पर भी मैं आऊँगी, लेकिन चाय पिलाने वाला भी चाहिए, क्योंकि आंटी जी को जो है हर नखरा उठाने वाला बूढ़ा मिल गया है ना। क्योंकि औरतें जो होती है ना हमारी, मैं बताती हूँ, बहुत सारे लोग का सवाल होता है कि बुढ़ी को ही क्यों, बुढ़ी ही क्यों, लटकती हुई चमड़ी क्यों, तो एक बात मैं बता दूँ, बुढ़ी इसलिए क्योंकि बुढ़ी के पास ना कन्विंसिंग पावर बहुत है। बुढ़ी बहुत अच्छा ड्रामा कर लेती है, और बुढ़ी बहुत अपनापन भी लोगों को दिखा पाती है, इसीलिए बुढ़ी ठीक है, लोगों को लटकती हुई चमड़ी छोड़ के टाइट चमड़ी मिल सकता है, लेकिन बुढ़ी जो है ना मीठा बोल के अपना बना के पीठ पे खंजर फिर से घोपा जा सकता है, वो बुढ़ी को बहुत अच्छा सा आता है। इसका लिविंग एग्जाम्पल जो है वो रिहाना बॉस को ले लो। रिहाना बॉस जैसी औरत है, औरत वो बिजनेसमैन वुमेन, उनको भी उसने जो है बेवकूफ़ बना लिया, बेवकूफ़ बना के 15 लाख हड़प लिया और पीठ पे छुरा घोंप दिया। तो हम औरतें आप और मेरे जैसे औरतें, हम किसी को 10 रुपये भी दें तो बहुत सोच समझ के देते हैं। ये आप लोग मानते होंगे कि भाई मैं तो भाई गरीब हूँ, आप में से बहुत सारे लोग पैसे वाले होंगे, काफ़ी सारे लोग मेरे से बेटर जो है हैसियत रखते होंगे, नो डाउट। बट हम औरतें चाहे गरीब हो या पैसे वाले, हमारे पॉकेट से अगर कोई 100 रुपये निकालने के लिए भी बोले ना, तो हम बहुत सोच समझ के नाप तोल के हिसाब करके देते हैं, है कि नहीं है? लेकिन वही औरत से इस सायरा सत्तारी ने 15 लाख रुपये निकाल लिया उसके पॉकेट से, तो मानते हो कि नहीं? कहीं ना कि सारा सत्तानी में कैपेबिलिटी है लोगों को बेवकूफ़ बनाने की। तो इसीलिए जो बुढ़े लोग होते हैं ना, जो ज़िंदगी से थक हार जाते हैं, या फिर जिनको बाहर मुंह मारने का बहुत शौक़ होता है, तो वो ऐसी ही जो है ना शिकार ढूंढती है,
ढूंढने के बाद उसको डराती है, धमकाती है, उसका जो भी है चीज़ें ख्वाहिशात वो पूरा करती है, उसके बाद डराती है, धमकाती है, उसके बाद जो है वो अपना शौक़ पूरा करती है। तो अब जो है ना, मेरे ख्याल से आंटी जी को जो है बीच में थोड़ा सा बाहर का खाना कम हो गया था, जब ये केस फेस जो भी चीज़ें चल रही थी, आंटी जी का हालत बहुत ख़राब था, पैसा भी ख़त्म हो चुका था, तो बाहर का खाना और शॉपिंग भी आंटी जी का कम हो चुका था। जिनको मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा है, वो आंटी जी के जो है वो बीच में जब सना भाभी और रिहाना आंटी ने बम्बू डाला था वो वीडियो उठा के देख सकते हो, उस टाइम पर आंटी जी घर पर ही बनाती थी, कम बनाती थी लेकिन बनाती थी। अब जो आंटी जी रोज़ बाहर खा रही, क्योंकि आंटी जी की लॉटरी चल रही है, धन की वर्षा हो रही है। मुझे ये समझ ही नहीं आता ये कैसी औरत है, मतलब कि ये गृहस्थी वाली औरत है कि नहीं, मुझे ये समझ भी नहीं आता। इसका ना सोने का टाइम होता है, ना उठने का टाइम होता है, ना नहाने का टाइम होता है, ना खाने का टाइम होता है। भाई ऐसे गृहस्थी वाले लोग होते हैं, ये खुद बाहर का खाती है, रोज़ बाहर का खाती है, घर में खाएगी भी तो वो चिकन नगर्स फ्राई कर लेगी, अंडा फ्राई कर लेगी, पाव के साथ खा लेगी। पाव में ईस्ट होता है यूजुअली, हम बचपन में अगर मैं भी ब्रेड अंडे में डूबो के मेरी माँ बना के देती, तो मैं अगर सवेरे अगर ब्रेकफास्ट में माँ देती थी तो शाम को अगर मैं ज़िद करती तो नहीं देती थी, क्योंकि मेरी माँ बोलती थी कि अंडे में ईस्ट होता है, अंडे में बोलो ब्रेड में ईस्ट होता है, तो वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बचपन से मुझे गैस की प्रॉब्लम थी। मैं भी, मेरे घर में आप लोग देखते हो सवेरे पराठे रोटी वगैरह जो है बनाए जाते हैं, अब मेरा व्लॉग में तो आप देखती ही हो, सवेरे से उठ के मेरे हस्बैंड का डब्बा तैयार होता है, मेरा ब्रेकफास्ट भी तैयार होता है, ब्रेकफास्ट के बाद मैं सीधा लंच बनाने की तैयारी करती हूँ। लेकिन ये औरत, हर औरत का, चाहे आप हो या मैं हूँ या चाहे आपकी माँ हो, मेरी माँ तो खैर फिलहाल नहीं रही, जब थी, जब तक थी वो, हमारे घर में सवेरे ब्रेकफास्ट का एक रूटीन होता है, ठीक है। हालाँकि मेरे मायके में ऐसा है कि पहले मेरे घर में काली माता का मंदिर है, तो पहले मंदिर का भोग बनता है और वही भोग हम सवेरे एज ए ब्रेकफास्ट हम खाते हैं। कभी खिचड़ी, ज़्यादातर अन्न प्रसाद होते हैं, जैसे चावल हो गया, सब्जी हो गया, दाल हो गया, ये सब ऐसे पांच टाइप का व्यंजन होके काली माता का पूजा होता है रोज़। हाँ, जैसे कि दूसरों के घर में कृष्ण जी, गोपाल जी और भी बहुत सारे भगवान को मानते हैं, मेरे घर में काली माता का मंदिर, तो मेरी माँ सवेरे सवेरे उठ के गोबर से पूरा आंगन वांगन झाड़ दे के, मतलब हमारा तो वो है, क्या बोलते हैं, मिट्टी का नहीं है, वो है क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, तो गोबर का पानी छिड़काना, गोबर के पानी से गेट वेट सब धो के देना, घर जब पोछा मारते हैं, अभी तो हम जैसे कि लाइजोल वगैरह जो भी है ये चीज़ें मैं सर्फ इस्तेमाल करती हूँ, मैं ये सब नौटंकी करती थी, तो डेटॉल को इस्तेमाल करता, तो मेरी माँ गोमूत्र और गोबर यूज़ करती, थोड़ा सा पानी में डालती थी, उससे घर पोछा मारती थी, माँ बोलते घर शुद्ध होता है। फिर हम जब उठते थे तो धोआ, वो होते ना जो टिकिया या फिर खोपड़ी के, उससे मतलब पूरे घर पे धुआ धुआ धुआ, और उसका उसका खुशबू आता था जो धो उसमें देते हैं ना, क्या बोलते यार उसको, मुझे याद भी नहीं रहता नाम, लेकिन स्वामी मुझे करेक्ट कर देगी, मुझे पता है। तो हमारे घर का ये था रूल कि सवेरे उठ के माँ भोग बनाती थी, सबको साफ करके नहा धो के, और एज ए ब्रेकफास्ट हम वो भोग खाते थे, उसके बाद मार बाबू चाय पीते थे, जो भी करते थे, या कभी कभी मार बाबू पहले चाय पी लेते थे, पूजा पाठ खत्म होने के बाद उसके बाद भोग खाते थे, ऐसा सिस्टम है मेरे घर में। मैं सवेरे उठ के पहले डब्बा बनाती हूँ, फिर चाय पराठे या चाय पूरी या चाय रोटी जो भी है बनाती हूँ, खाते हैं। लेकिन इसके घर में ऐसा है ना, सोने का टाइम है, न उठने का टाइम है, खाना भी दिन भर बाहर का खाती है, और रात को भी घर में क्या खाएगी, खाना नहीं बनाएगी, पाव खाएगी, अंडा खाएगी, या वो चिकन नगर्स खाएगी, वही सब खाती रहती है। इनका लाइफस्टाइल, अल्लाह बचा ऐसे लाइफस्टाइल से, और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये रोज़ बाहर का खाती है, भैया पचा कैसे लेती है। मैं अगर पूरा दिन अखा दिन बिरयानी खाऊँ ना, या फिर कोई बाहर का चीज़ खाऊँ ना, मेरे पेट में जो है ना खलबली मच जाएगी, ट्रस्ट मी। कल मेरे बेटे का बर्थडे गया, तो उसका केक जो है, मैंने रात को खाना खाने के बाद थोड़ा सा केक मैंने खाया था, केक कटिंग के बाद, क्योंकि मैं ना बर्थडे पे ना चाहे मेरा आसान हो रहा, हाँ तो मैं वही बोल रही थी, कल मैंने जो है खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा केक खाया था, वो थोड़ा पाइनएप्पल फ्लेवर का था, तो ट्रस्ट मी आज मुझे इतना एसिडिटी हो गया था, इतना एसिडिटी हो गया था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मुझे लास्ट में ना सब कुछ करने के बाद ये इनो खाना पड़ा मुझे, मेरी छाती इतनी जल रही थी, और मुझे ये समझ नहीं आता क्योंकि मैं थोड़ी वैसे भी गैस्ट्रिक के पेशेंट हूँ, और वैसे भी मुझे ना बाहर का खाना ट्रस्ट में ज़्यादा जमता नहीं है, मुझे पसंद भी नहीं है। मुझे अब घर में दाल चावल दे दो, मैं कच्चा कांदा ले लूँगी, या फिर पापड़ तल लूँगी, या फिर अचार ले लूँगी, या फिर बिना कुछ सिर्फ दाल चावल से मैं सुकून से खा लूँगी, इनफैक्ट मैं खिचड़ी भी खा लूँगी,
लेकिन ये बाहर का रोज़ रोज़ खाना, मुझे तो ब्रेड भी नहीं ज़्यादा, आप लोग यकीन मानो मैं ओल्ड स्कूल टाइप की हूँ, ट्रस्ट मी मैं ओल्ड स्कूल टाइप की हूँ, भले ही मैं उतनी बुढ़ी नहीं हूँ बट लिटरली आई एम ओल्ड स्कूल पर्सन, बिकॉज मैं खुद अर्न करके भी, मेरा अगर आप ये हुलिया देख सकते हो, ऐसा नहीं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेकअप का सामान या कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भरा पड़ा हुआ है, देख सकते हो, मैं मैट लिपस्टिक के अलावा लगाते भी नहीं, भरा भरा हुआ है, बट मैं ओल्ड स्कूल टाइप की, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है, क्योंकि मैंने बचपन से अपनी माँ को देखा और मैं उनको बहुत एडमायर करती थी। तो ये औरत बाहर का, खुद तो बाहर का रोज़ खाती है, उसके बेटे को भी, बच्चों को भी रोज़ बाहर का ही खिलाती है, बड़े बेटे के लिए तो खाना बनाती नहीं, छोटा बेटा तो खुद उसके साथ खा के आता है, और जो है ये बोलती है कि मेरा बेटा डाइट करता है। तो वही मैं बोल रही हूँ भाई, एक होता ना कि भाई खुद हम जैसे भी रहते हैं, हमारा लाइफस्टाइल जैसा भी हो, बट बच्चों को हेल्दी खाना खिलाना चाहिए, बच्चों को अच्छे से रखना चाहिए, हमारी प्रायोरिटी थी हमारे बच्चे, लेकिन ये औरत जो है ना वो खुद के लिए ही जीती है, मैंने उसको खुद के लिए जीते हुए देखा है। एनीवेज क्या ही बात करूँ, इस औरत के बारे में बात करते हुए मेरा जी जो है ना वो खट्टा हो जाता है, और पूरे व्लॉग में बस नमाज 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 पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ रही हूँ, ऐसा है फलाना है ढिमका है, भाई व्लॉग में जितनी बार नमाज की जिक्र करती है ना उतनी बार नमाज पढ़ भी ले आकर आधी रात को वो फ्रूट्स खा रही है, आधी रात को भूत प्रेत खाते हैं। मैं मेरे घर में ये सुना है मैंने, भाई मैं हमेशा मेरे घर की बात करती रहती हूँ क्योंकि मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ मेरे माँ बाप की अपब्रिंगिंग को लेकर, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसे जीती हूँ, आजकल की नारी होकर भी मैं कैसे जीती हूँ, और मेरी क्या अपब्रिंगिंग है, और मेरी अपब्रिंगिंग जो मेरे बच्चों पे आया है, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, ट्रस्ट मी। मैं खुद की तारीफ़ नहीं करती हूँ सारा सत्तानी की तरह, बट मेरे घर में ये कहावत है कि रात के 12 बजे के बाद नहीं खाते, भूत प्रेत खाते हैं, मेरे पापा बोलते हैं, मतलब बहुत चिढ़ते भी थे कभी कभी, रात को अगर हम जैसे कि 8-9 बजे हम सो जाते थे नहीं खाते थे, कभी कभी 11 बजे भूखे मारे उठ जाते थे, माँ को बोलते थे माँ खाना दो, तो पापा चिल्लाते थे, बोलते क्या आधी रात को भूत प्रेत की तरह खाना, पहले क्यों नहीं खा के सोई, तो बोलते थे माँ बोलते थे रहने दो, वो थक गई थी सो गई थी, दिन भर खेल के कूद के उसको खा लेने दे, तो माँ फटाफट से 2-3 वाला 12 बजे से पहले बोलती थी 2-3 बाकी है जल्दी खा ले फटाफट फटाफट बड़ा बड़ा निवाला करके खा के फिर पानी वानी पी के मुँह धो के फिर सो जाती थी, ऐसा करती थी कि 8-9 बजे बच्चे थे भागम दौड़ी करते थे खेलते कूदते थे तो थक जाते थे तो सो जाते थे, ऐसा था। लेकिन ये रात के 3-3 बजे ये फ्रूट्स खा रही, रात के 2 बजे अंडा खा रही, पाव खा रही, मतलब लिटरली ये घरेलू औरत तो नहीं हो सकती यार, एक माँ का तो क्वालिटीज तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक माँ जो है ना हर चीज़ टाइम, एक औरत माँ बनने के बाद उसका टाइम टेबल सब कुछ जो है ना एकदम बर्बाद हो जाता है, वो उसके एक टाइम टेबल सेट होता है बच्चों के लिए, जैसे कि हमारा मेरी बेटी का तो चलो दोपहर से स्कूल है, अब कुछ महीने बाद से इबू का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, तो वो तो उसको आई गैस मुझे लगता है इबू का तो मॉर्निंग का स्कूल होगा, तो मॉर्निंग में वैसे तो मेरे को दिक्कत होता नहीं, क्योंकि आप लोग मेरा ब्लॉग देखते तो पता होता है आप लोगों को, मेरे मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट भी हो जाता है, इबू के अब्बा का डब्बा हो जाता है, साथ साथ इबू का भी डब्बा हो जाएगा, तो वैसा शेड्यूल है तो मैं सब कुछ कर लेती हूँ। तो बात मेरे लिए ये, मैं ये नहीं बोलूँ कि मैं देखो मैं कितनी महान माँ हूँ, हम आप सब आई गेस आपके घर में भी सेम चीज़ होती होगी, आपके माँ लोग भी ऐसे ही करते होंगे, मेरे माँ बाप ने भी ऐसे किया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई पूरे व्लॉग में बस खुद की बरबराई, मैं ये मैं वो मेरा फलाना मेरा ढिमका, तो वो सारी चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती है, जो चीज़ तुम रियल लाइफ में करती नहीं हो वो चीज़ व्लॉग में बताना ज़रूरी नहीं है, और अगर तुम इतनी सही हो तो करके बताओ, इतनी नमाजी बनती हो, इतनी अल्लाह वाली बनती हो, इतनी ज्ञान देती हो, तो पहले अपने हाथ की टैटू रिमूव करवाओ। बहुत लोग बोलते हैं कि आपके हाथ में टैटू है, आप इतने ज्ञान की बात करते हो, तो मैं हिंदू थी, हिंदू से मुसलमान बनी, और मेरे पास अगर उतने पैसे होते ना सारा सत्तानी की तरह, तो मैं कब का रिमूव करवा लेती, सीधी सी बात है, इनको रिमूव करने के लिए भी बहुत लाखों रुपए की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे बॉडी में ना न जाने 1-2-3-4 पैरों में भी और काफ़ी जगह पे जो मैं दिखा नहीं सकती, मतलब ऐसे भी उतनी जगह पे नहीं कि टैटू वाला हाथ लगा, मतलब पैरों वैरों में काफ़ी सारी जगह में, यहाँ पे भी है, ये आप देख सकते हो, 3 यहाँ पे 3 बटरफ्लाई है, तो काफ़ी जगह पे है, तो इनको रिमूव करने के लिए लाखों रुपए तक का लगेगा, और एक रिमूव करवा के फ़ायदा नहीं दिन वाले बनने के लिए, क्योंकि बाकी सारे तो रह ही जाएंगे बॉडी पे, तो लेकिन सारा सत्तानी के हाथ में 2 टैटू है, तो 2 टैटू तो रिमूव कर ही सकते हैं। भाई कौन से जो ज्वेलरी वाले सोना और चांदी वाले हैं
जो प्लास्टिक के जो है ना डब मतलब पैकेट में सोना रखते हैं, उसका सोने का कलर भी देखना एकदम काला काला सा, एकदम मदा मदा सा उसका कलर, सोने का कलर ऐसा होता है कि सोना देख के ही समझ में आता है। और जो रियल जो गोल्ड होता है उसका फिनिशिंग भी अलग होता है, और उसका सोना गौर करना, उसका सोना सोना है ही नहीं। और कौन सी औरत भाई सोने का गले का खोल के यूँ बिस्तर में रख देंगे, हमको कहीं ना कहीं डर होता है कि भाई कोई काम वाली रहती है घर में, कहीं हाथ ना लगा दे। होता है, जितना भी करोड़पति हो जाओ सोने को हम देख के रखते ही, हमारे औरतों में ये सारी चीज़ें पहले माँ को देखी थी कि अगर माँ भी सोती थी बाहर से आके शादियों में से आके, तो सोना चांदी खोल के अपने तकिए के नीचे रखती थी। ऐसा मेरी माँ ऐसे तकिए के नीचे रख के सोती थी, हाथों का तो हाथी में गले वाले का तकिए में नीचे रख के ही सोती थी। तो ऐसा सिस्टम तो मेरे पास तो है भी नहीं, लेकिन ये कुछ अलग किस्म की औरत ही है। और इतना ज्ञान देती है व्लॉग में, पूरा व्लॉग पचर 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 पूरा फालतू वर्ड व्लॉग करती है वो। और उसके व्लॉग में सिर्फ आपको देखने को मिला खाना 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 और सोना, बस खाना और सोना। भाई साहब इसका खाना और सोना कभी ख़त्म ही नहीं होता, भाई साहब इतना खाना तो शायद हम भी नहीं खाते, ट्रस्ट मी। मैं भी जवान औरत हूँ, लेकिन मैं सवेरे एक पराठा खाती हूँ, वही पतला वाला पराठा, मुझे मोटा पराठा पसंद नहीं है। दोपहर को भी चावल खाती हूँ आप लोग के सामने, और सीधा रात को खाना खाती हूँ 11:30-11 बजे। बीच में सिर्फ शाम को चाय पीती हूँ, और चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का। बस ये मेरा पूरा, ये जो 30 साल की बॉडी है मेरी, ये इतनी बड़ी बॉडी चलाने के लिए, दो बच्चों का वो मगजमारी, यूट्यूब की मगजमारी, घर का ये सब, वो दो टाइम का खाना, सवेरे का एक पराठा, शाम को पराठा वराठा नहीं खाती हूँ क्योंकि उसका पर रहते नहीं है। कभी बिस्किट खा लेते हो, कभी चिप्स के साथ चाय, कभी छुरे के साथ चाय बस। और 11:30-12 बजे सीधा हमारा खाना होता है डिनर, क्योंकि उसका बस सारे। लेकिन उसके व्लॉग में तो पता नहीं कितनी बार ये खाना खाती है, पता नहीं मतलब क्या ही बोलूँ मैं। और सारा कुछ जो है ना ये सिर्फ दूसरों के पैसों से ही करते, क्योंकि हम औरतें ऐसी हैं ना, चाहे पैसे वाली हो, मैं लिख के दे सकती हूँ, लिख के लिटरली, हम चाहे पैसे वाली औरत हो या गरीब औरत हो, हम रोज़ का बाहर का खाना खुद के पैसों से कभी नहीं खाएंगे, किसी के पराया को पैसों से भी नहीं खाएंगे। क्योंकि मोस्टली हम औरतों को बाहर का खाना उतना पसंद आता नहीं, उनको बहुत रेयर औरतों को पसंद आती होंगी। मैं भी थक जाती हूँ बाहर का खुद खाना बना बना के, खुद का हाथों का खाना खा खा के। बट जब एक टाइम बाहर का खा लेती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, मेरे हाथों का ही हल्का फुल्का सिंपल अच्छा है। और खुद के पैसों से रोज़ बाहर का खाना खाऊँ, अल्लाह तब माफ़ करे, मैं वही पैसे अपने बच्चों के लिए रखूँ, मैं वही पैसे जोर जोर के अपने बच्चों के लिए कुछ कर लूँ। मैं सच बता रही हूँ, और ये हर औरतों में ये चीज़ होगी, हम खुद के लिए खर्चने से पहले 100 बार सोचते हैं, चाहे वो औरत खुद से अर्न करे या फिर पति के पैसे से अर्न करे। वो एक औरत कोई भी चीज़ में खर्चा करने से पहले हम 100 बार सोचते हैं बाहर खाना खाएंगे। ये सारा कुछ जो है ना, दूसरों को चूना लगा लगा के जो है वो, दूसरों को चूना लगा के जो निकालती है ना, वही पैसों से वो खाती है। क्योंकि खुद की मेहनत से, बोलते हैं ना एक कहावत थी कि खुद की मेहनत के पैसों से करो तो ना तब समझ में आए। मेरी एक हैबिट थी बचपन में, शायद उसी हैबिट की वजह से, उसी लोगों की दुआ की वजह से आज मैं खा रही हूँ। मेरी माँ तो वॉकिंग वूमेन थी, घर भी संभालती थी, बिजनेस भी देखती थी। तो भिखारी हमारे यहाँ, भिखारी आते ना, गरीब लोग आते देने के लिए, तो मैं क्या करती थी, गरीब हमारा ना टीनों के डब्बे में, ऐसा टीन का डब्बा इतना तक होता था, इतना हाइट का होता था, तो बड़े बड़े टीन के डब्बे होते, महीने का पूरा चावल भरने के लिए। तो मैं क्या करती थी, सब बड़ा बड़ा भगोना आता है ना, बड़ा बड़ा ऐसे टाइप का बड़ा बड़ा भगोना, मैं वो भगोना भर के उनको चावल देती थी। फिर 250 ग्राम की तेल की बॉटल आती है ना, वो बॉटल भर के उनको तेल देती थी, घर से ऐसा करती थी। तो माँ कभी कभी लंच टाइम के लिए आती थी ना, तो देखती थी, मेरी माँ बोलती थी मेरे घर में ऐसा नहीं करना, मैं बहुत मेहनत से कमाती हूँ, देना है लिमिटेड देना, अपने पति के घर में जब जाओगे ना तब करना बेटा, तब समझ में आएगा। तो ये बस सच है कि जब इंसान खुद के पैसों से करता है ना, जैसे कि मैं अपने बाप के घर में थी, एक की जगह 2 मिलता था, बाप की इकलौती बेटी थी, बुढ़ापे में पैदा हुई, मैं पहली औलाद हूँ मेरे बाप के, लगभग 45-50 साल की उम्र में मैं पैदा हुई। सोचो कितनी मतलब एक उम्र, एक इंसान बुजुर्ग होने के बाद पहले औलाद, वो भी बेटी, तो बाप की जान होती है, ये नहीं होना वो होना, तो बहुत मैंने बहुत रारा मचाया बहुत। तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि वही सारी चीज़ जो पहले मुझे मिलता था, जो चीज़ मैं रिजेक्ट कर देती थी, वो चीज़ भी अब मैं नहीं ख़रीदती हूँ। क्योंकि जब खुद के पैसों की बारी आती है ना, तब समझ में आता है, और सच में ट्रस्ट में समझ में आता है। मेरी माँ कह रही थी, जब तू माँ बनेगी ना तब तुझे पता चलेगा। मैं तो बचपन में बहुत, अभी आप लोग मेरे को देख रहे हो तो सोचो मैं बचपन में कैसी थी।
तो मेरी माँ कहती थी, बोलती थी, दिया जब तुम माँ बनेगी ना बेटा तब तुझे पता चलेगा। और अब मेरे बच्चे ज़रा से इधर से इधर गिरा भी देना कोई चीज़ तो मैं शुरू हो जाती हूँ। तो ये सही बात है, जब अपने ऊपर आती है ना तब समझ में आता है। और ख़ुद का पैसा खर्चा करके नट्टा पुट्टा, मतलब कि ये जो फालतू चीज़ें करना वो होते इम्पॉसिबल है। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि इसके जो पैसे हैं ना वो लोगों के चुना लगाए हुए। तो चलिए आज का ब्लॉग में यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए, दुआ की दरख्वास्त है। और मैं लॉजिकल बातें करती हूँ यार, ख़ुद के ऊपर लेके मैं बातें करती हूँ, मैं हवाबाजी की बातें बिल्कुल भी नहीं करती हूँ और मुझे पसंद भी नहीं है। और रही बात उसके बेटे की अली की, तो उसका तो उसने तो बहुत बड़ा कांड किया, वो कल भी मैं कल के ब्लॉग में बताऊँगी ज़रूर। और आज मेरी बेटी का बर्थडे है, वैसे तो बर्थडे जैसा कुछ है नहीं, बस केक कट किया। आप लोग मेरी बेटी के लिए दुआ ज़रूर करना कि वो पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़े। और मेरा सपना है कि मेरी बेटी कुछ बने, और मैं किसी से उम्मीद नहीं रखती, बस मैं अपने अपने जो यूट्यूब से जो मैं कमाती हूँ उससे मेरी बेटी का पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो रहा है। तो आप लोग इतना दुआ करना कि मैं इतना कर सकूँ कि मेरे बेटा और बेटी को ना मैं पढ़ा लिखा के एक इंसान बना सकती हूँ, इतना मैं कर सकूँ। क्योंकि पैसा जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता, इंसान अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आप लोग देख रहे हो गोल्डन ग्रुप के बहुत लोगों के पास पैसा है, लेकिन ना उनके पास तमीज़ है, ना तरबियत है, ना क्लास है, ना नॉलेज है। और वो सारी चीज़ ना जब हम बुक्स पढ़ते हैं ना बचपन में, जो किताब पढ़ पढ़ के नॉलेज लेते हैं, या फिर किसी नॉलेजेबल व्यक्ति के साथ उठते बैठते बात करते टच में रहते हैं, तो वो सारी नॉलेज हमारे अंदर आती है। तो मैं चाहती हूँ मेरे दोनों बच्चे बहुत काबिल बने। मैं उनको घर बंगला गाड़ी बिजनेस ये सब नहीं देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे इतने नॉलेजेबल बने कि पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठ मतलब उठना बैठना हो कंपेयर हो उनका, बस इतना चाहती हूँ। तो मेरे लिए बस इतना दुआ करना कि मैं अपने बच्चों को बहुत पढ़ा सकूँ, बहुत अच्छा इंसान बना सकूँ, ताकि आज जैसे मैं गरीब हूँ ना, मेरी जैसे औरतों को मेरी बेटी हेल्प कर पाए। गरीब औरतें मेरी बेटी के पास काम के लिए, हेल्प के लिए, और मेरी बेटी इतना कैपेबल हो कि उनकी हेल्प कर पाए, मैं वो अपनी बेटी के लिए देखना चाहती हूँ। तो बस उतना दुआ रखना, बाकी मैं मेहनत करने से डरती नहीं हूँ और मैं मेहनत करती जाऊँगी, ये सफ़ेद बाल मेरे इस चीज़ की गवाही देती है। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, दुआ की दरख्वास्त है मेरे लिए नासी।